गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे पास दो नंबर का सम गिवन होता है और साथ के साथ उन दोनों का प्रोडक्ट भी गिवन होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास काफी सारे तरीके हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा जो आपके लाइफ टाइम तक याद रहेगा। क्लियर है? तो मेरा नाम है दोस्तों कमल, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। आपके पास दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27 है एंड प्रोडक्ट इज 180। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आता है 182। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करके चलेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि जो पहला नंबर है वो क्या है, x है। ठीक है, अब देखिए दो नंबर का सम अगर 27 है तो आप आसानी से लिख सकते हैं जो सेकेंड नंबर है वो क्या बनना चाहिए। अच्छा कुछ सोचिए आप कि सेकेंड नंबर क्या बनेगा। अगर आपके पास दो नंबर का सम 27 है उनमें से एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या बनेगा, 27 माइनस x। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों है इसको एक बार सोच लेते हैं, समझ लेते हैं भाई कैसे है। अगर आप दो नंबर का सम लिख लेते हैं, जैसे आपके पास कुछ और लिख लेते हैं, जैसे 32 है, आपको पता है कि दो नंबर का सम 32 है, हमने एक नंबर लिख रखा है x, सपोज करो हमने x की जगह लिख लिया दिस इज इक्वल टू 14। होने वाली है कि x 14 है और दोनों को जोड़ के 32 आता है 32। तो आप सेकंड नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, सर 32 माइनस 14 दिस इज 18, यानी कि सेकंड नंबर हमारे पास कुछ सही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर अगर हमारे पास x है तो सेकंड 27 माइनस x होगा। यहां पे कोई भी स्टूडेंट प्लस नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट में जरूर लिखा हुआ है फाइंड दैट टू नंबर हु सम इज 27, दोनों को जोड़ के 27 आता है, बट फर्स्ट नंबर अगर आपने x माना है तो सेकंड 27 माइनस x। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखाता है कि फाइंड दैट टू नंबर हुज डिफरेंस इज 27, क्या लिखाता है, उस डिफरेंस इज 27, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को x लेंगे और सेकंड नंबर आप लिखेंगे 27 plus x। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करें यानी डिफरेंस निकालेंगे दोनों का तो आपके पास 27 आएगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तब आपके पास जो नंबर आएगा वो 27 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो फिलहाल के लिए हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का नहीं है, हमारे पास गिवन है उस सम इज 27। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट इज 182, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट कितना आता है 182। तो प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इज इक्वल टू 182। आप देखो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 27x, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर और इस इक्वल टू में आ जाएगा 180। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस सारे टर्म को उधर ले जाओ, हमारे पास इधर बचेगा 0। जब इसको उधर ले जाएंगे लेफ्ट से राइट पे ले जाएंगे तो ये जो माइनस के एक्स स्क्वायर है दिस इज प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब हम ब्रैकेट से इक्वल से उधर से वैल्यू ले जाते हैं लेफ्ट से राइट करते हैं या राइट से लेफ्ट करते हैं तो हमेशा आपने साइन चेंज करना है। ठीक है, देखो हम लेफ्ट से राइट में लेके जा रहे हैं इसको, दिस इज लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से हम राइट में लेके जा रहे हैं तो इसके साइन प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 27x है, दिस इज माइनस 27x स्क्वायर 27x। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 180। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी x square minus 27x plus 182 is equal to 0. This is a quadratic equation. तो इसके कितने रूट होने चाहिए, दो रूट होने चाहिए। दो रूट कौन से आएंगे, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, प्लस का एक माइनस का, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं रूट निकालने का क्या रूट था इसका, हमने सब कुछ डिस्कस किया था इससे पहले वाले वीडियो, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें जिससे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में सीखा था कि किस तरह से आप रूट निकाल सकते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लियर है? तो आप वहां से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं आपको यहां पे सॉल्व करके इसको दिखाऊंगा, क्लियर है? चलो अब सबसे पहले रूल क्या था, पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, दिस एंड दिस, आपके पास आएगा 182x2, क्या आएगा 182x2। अब ये पॉजिटिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है? 182 के आप फैक्टर्स बनाओ, 182 आपके पास आ जाएगा 2 पे सबसे पहले, 2 9 जा 18 और 2 बन जा 2, क्लियर? 91 किसके टेबल पे आता है, 7 के, 7 बन जा 7 और 7 3 जा 41, 13 प्राइम नंबर है तो किसी पे नहीं जाएगा, 13 बन जा, क्लियर? तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ जाती हैं, 2 7 है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आपने इस टर्म को स्प्लिट करना है -27, ध्यान रखेंगे यहां पे माइनस है 27, तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 182 को स्प्लिट करना सीखिए, देखो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं 37 का 91, 91 में से 2 को माइनस करेंगे तब भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमें तो 27 चाहिए, और 91 में हम 2 को प्लस करेंगे 90 जाएगा, दिस इज रॉन्ग। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं 7 2 जा 14, 14 में अगर हम 13 को प्लस करते हैं तो कितना आता है 27, और यही हमें चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो माइनस के 27 चाहिए तो हमारे पास 14 और 13 ये दोनों वैल्यूज माइनस के लिखनी पड़ेगी, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों वैल्यूज माइनस के आएंगे, कोई भी स्टूडेंट यहां पे प्लस की वैल्यू नहीं लिख के आएगा, ठीक है? तो माइनस के 14x माइनस 13x, ठीक है? इसको हमने स्प्लिट कर लिया 27 को माइनस 14 एंड माइनस 13। अब इसके बाद आपका काम बहुत आसान है, क्या करेंगे आप, इन दोनों में से हमारे पास जो वैल्यू कॉमन आती है वो क्या होती है, x, x कॉमन ले लो यहां से, हमारे पास बचेगा x माइनस, यहां से x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 14। अब देखो हमें चाहिए x माइनस 14, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर ये वैल्यू आपकी ब्रैकेट वाली है वो उधर भी आपकी सेम होनी चाहिए, यानी कि आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे भी x माइनस 14 चाहिए, ठीक है? चाहे तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आएगा x माइनस 14 ही है, तभी आप यहाँ पे कॉमन लेके ये फैक्टर्स बनाते हो, ठीक है? तभी x की वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे दोनों वैल्यूज गलत लिखी, ये दोनों वैल्यूज हर बार सेम आएंगी जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो करिए, अब देखिए यहां पे हमें माइनस चाहिए, यहां पे तो प्लस है, और यहां पे माइनस है, यहां पे हमें प्लस चाहिए, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे ही लेंगे, हमें चाहिए x यहां पे 13 है तो 13 भी कॉमन लेंगे, ठीक है? क्योंकि 13x में से 13 कॉमन लेंगे तभी x आएगा, और 13 और 182 जो है वो दोनों एक ही टेबल पे आते हैं, वो कौन सा है हमारे पास 14, ठीक है? तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टू द 14, तो इसलिए हमने वहां पे x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को कॉमन ले लो, x माइनस 14 हमारे पास बचेगा यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्लियर? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो रखते हैं फिर उसको जीरो रखते हैं, क्या करेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14, यहाँ पे x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज ऑल्सो, तो दीज आर द टू रूल्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आते हैं, एचपीएससी सीबीएसई में और कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देते हैं उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है? बहुत आसान होते हैं, बस आपने क्या करना है, चीजों को छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, अगर वो आपको दो नंबर का सम बोलेगा इट मींस आपने यहां पे माइनस लगाना है, अगर वो डिफरेंस बोलेगा तो आपने प्लस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।